नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त शेंटी सर्वेंसी शेंटी वीडियो क्रिएटर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज दोस्तों आज का वीडियो है, आज का ब्लॉग है 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के प्रतापगढ़ शहर में। और आज का इसका पूरा ब्लॉग, आज की पूरी एक्टिविटी प्रोग्राम सब आज के इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। आज काफ़ी खूबसूरत यहाँ प्रदेश को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों गाइस, आज इस वीडियो में आपको पूरा राजस्थान के जो प्रतापगढ़ शहर में आज आदिवासी दिवस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरा आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को बनाए, थोड़ा भी स्किप ना करें, वीडियो अच्छा लगे तो फिर उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपने यहाँ के जो संरक्षण करना चाहिए।
को खचा खच भर करके भारत देश के प्रधानमंत्री को बता दिया है कि आप आदिवासियों को पागल बनाना चाहते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदिवासी किसी से मूर्ख नहीं बनने वाला है। से मैं कहना चाहता हूं आदिवासी दिवस मना रहे हैं और हम भी राजस्थान के क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ जिले में आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि अपना हाई स्कूल के पास स्टेडियम सुखाड़िया स्टेडियम में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ साथी है, किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये कहाँ से आए, हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको थोड़ा बारे में बताएं कहाँ से। मैं सीनामा हूँ, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी है। और ये जो विश्व आदिवासी दिवस जो आज हम लोगों ने मनाया है, ये हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद हासिल किया है।
सरकारों की कोई मंशा नहीं थी कि आदिवासियों के नाम से विशेष एक दिवस होना चाहिए, और आज इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया गया। तमाम जिले और जिले के बाहर के भी आदिवासी उपस्थित हुए, और आज सबने यह संकल्प लिया किसी भी कंडीशन में, चाहे हमारे लाखों काम होंगे उसको छोड़ करके ये जो हमारा दिवस है विशेष हमारे नाम का, उसको हम सक्सेस करेंगे। विभिन्न वक्ताओं ने यहाँ पर विचार रखे और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें अलग अलग तरह का जो हमारी जो संस्कृति उसको बिखेरने का मौका मिला, और उसके साथ साथ जो वक्ता थे उन्होंने यहाँ की समस्याएं थी आदिवासियों के संदर्भ में, अन्याय शोषण और उन मुद्दों के ऊपर। छोटा सा सवाल था आप लोगों से कि आज आपने इतनी बड़ी संख्या में आज जो प्रोग्राम मतलब आयोजित किया है और बहुत भारी संख्या में लोग आए मैंने देखे हैं, तो उसका मेन मकसद आज थोड़ा हमको बता पाएंगे मेरे दर्शकों को? सांस्कृतिक और ये जो साहित्यिक कार्यक्रम के अलावा जो आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, जैसे कि मणिपुर की घटना है, उस महिला को एक तरह से नग्न करके उनके साथ में पब्लिक पैलेस के रूप में जुलूस निकाला जाता है, ये भारत के संविधान की अवहेलना है, और देश के जितने सरकारें और जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके अलावा जैसे उदयपुर में एक अभी हाल ही में महिला को, आदिवासी महिला को मारा जाता है, तो इन तमाम आवाज़ को उठाने के लिए हम आदिवासी एक हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का अभी तक आवाज़ उठाने में कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा जो समता जजमेंट है वहाँ भी आदिवासियों के हक अधिकार की बात करता है, फिर सरकारें क्यों नहीं करती? तो आज मजबूरन हमको एक होकर के आवाज उठाने का भी संकल्प लेना पड़ा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी आज आदिवासी दिवस सर आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत देश हमारा है, जय जोहार कनारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा है वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।